सर मैं डिफेंड नहीं कर सकता, डिफेंडेबल चीज नहीं है ये, डिफेंडेबल चीज इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान, आप मानोगे नहीं ये आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि T20 खेली जा रहे हैं, ये वनडे है, 50 ओवर का खेल है, जहां पे आपको 50 ओवर की तरह खेलना है वो T20 की तरह खेली जा रहे हैं, तो रन कैसे बनेंगे? रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक क्या है आपकी? कुछ भी नहीं। फिर आप ये देखें कि जब आप 100, 150, 100, 125 डॉट बॉल खेलते रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे जा नहीं रहे, आप अटैक नहीं कर रहे, माइंड सेट क्या है T20 वाला, आप रोकते हैं या मारते हैं। दोस्तों आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच में बाबर आजम एक बार फिर से 10 रन बनाकर आउट हो गया है, जो कि पाकिस्तान की टीम को 350 रन के करीब टारगेट श्रीलंका के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुआ है उसके बाद शोएब अख्तर ने एक बार फिर से बयान दिया है। शोएब अख्तर का कहना है कि हमारे बल्लेबाज T20 की तरह वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से वनडे क्रिकेट खेलनी चाहिए, और कहीं पर भी बॉल थोड़ी सी सीम या स्विंग होती है तो हमारे बल्लेबाज खेल नहीं पाते हैं। दोस्तों यदि देखा जाए तो पाकिस्तान को बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन बाबर आजम हर मैच में फ्लॉप होते जा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने फ्लॉप शो दिखाया, जिसके बाद शोएब अख्तर ने उनकी कमजोरियां बताई। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।